राजस्थान के अलवर में श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि पंचायती राज चुनाव तथा लोकतंत्र के इस उत्सव में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले वार्ड नंबर 2 से पंचायत समिति सदस्य अलमती को निर्विरोध चुना गया, वहीं दूसरे दिन उमरैन पंचायत समिति के वार्ड नंबर 14 से कनी साविर को निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य चुना गया है। श्रम मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से एकजुटता का संदेश देते हुए कार्यकर्ता पूरे मनोबल से कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने वार्ड नंबर 2 से खाता खोलकर अगले ही दिन उमरैन पंचायत समिति के वार्ड नंबर 14 से सनी साविर को निर्विरोध सफल बनाया है। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में किया गया, आज जो हमारे वार्ड नंबर 20 के प्रत्याशी हैं भाई जगदीश जी जाटव, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की आज से शुरुआत कर दी है और ये काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, आम आदमी की गरीब की आवाज़ उठाने में हमेशा ही एक नंबर पे रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको आशीर्वाद दिया है और मैं तो सभी से आग्रह करूँगा कि सब लोग मिलकर भाई जगदीश को जिताएँ और हमारे सारे जितने भी सिंबल हैं पूरे जिले के अंदर जो कांग्रेस लड़ रही है सभी सिंबलों पर मदद करें, जिससे कि कांग्रेस ने जो एक विचारधारा है जिसने सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम किया है। आज आप देखेंगे 3 साल का जो कार्यकाल है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, ऐसी तमाम योजनाएं आम जन के लिए समर्पित की हैं जिनकी आम व्यक्ति को जरूरत थी, तो मैं यही निवेदन करूँगा इसमें आप आशीर्वाद देंगे तो हमारे हाथ मजबूत होंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।